कितने अंधविश्वास में फंसा हुआ है ना हमारा समाज। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बिना कुछ सोचे समझे हमेशा के लिए एक जिंदगी को बर्बाद कर देना, और इस हद तक कि उसका सांस लेना भी बोझ बन जाए। नमस्कार, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका हमारी विशेष प्रस्तुति आधी आबादी का अधूरा अस्तित्व में। आ तुम्हारा टाबरा न खागी कि नजर माई खोट है, आ टोट को करवाड़ी लुगाई है, डाकन है या इन्हें मार दो। बस ये शब्द और सब कुछ खत्म। एक जीती जागती औरत डायन करार कर दी गई। अब वो चिल्ला चिल्लाकर रो रोकर गिड़गिड़ाकर कहती है, मैं डायन नहीं हूँ। जवाब आता है, ये डायन है, अपनी बातों में फंसा रही है ताकि और बर्बादी कर सके। और उस औरत को जंजीरों में बीड़ियों में जकड़ दिया जाता है। कितना आसान है ना, एक सोची समझी साजिश के तहत एक निर्दोष पर आरोप मढ़ देना। कमला विमला भोपा गुजरी न जाने कितने नाम, ये नाम काल्पनिक हो लेकिन ये हमारे समाज का वही सच है जिन्हें राज्य के अलग अलग हिस्सों में डायन साबित कर दिया गया। इन नामों को बेनाम करके सिर्फ एक नाम डायन देने के पीछे क्या वजह रही होगी, वो किस हालात से जूझी कि आज अपने आप में कहीं ना कहीं गुम हो गई है। और हर बार डायन औरत ही क्यों, आज तक कोई आदमी डायन हो गया हो ऐसा मामला कभी सामने नहीं आया। बड़ी अजीब सी स्थिति है हमारे समाज की। एक जैसे दो इंसान, दोनों की हरकतें भी समान, लेकिन दोनों से पेश आने का तरीका सिर्फ अलग ही नहीं बल्कि भयानक। आइए आपको दो तस्वीरों से रूबरू करवाती हूँ। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं उसमें कुछ औरतें हैं जिन्हें डायन कहकर उनके घर वालों ने ही पेड़ियों में जकड़ दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ एक आदमी है जो हूबहू वैसी ही हरकत कर रहा है जैसी आपने अभी चंद मिनटों पहले औरतों को करते देखा था। लेकिन यहां यह आदमी किसी भगवान की तरह सम्मानित किया जा रहा है, लोग उसके पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आज वो महिला जिस हाल में है उसके पीछे वजह क्या है। बस एकदम आसान, उसे डायन कहकर पल्ला झाड़ लिया सारी जिम्मेदारियों से। आज हम आपको दो घटनाओं से रूबरू करवाएंगे जो समाज में अंधविश्वास के नाम पर महिलाओं के खिलाफ हो रही साजिश से पर्दा उठाएंगे। तो पहली घटना है अजमेर से, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। खरखेड़ी, अजमेर। लोगों को शिक्षित और जागरूक करने के सरकारी दावे कुछ भी रहे हों, मगर निरक्षरता और अंधविश्वास की जड़ें आज भी हमारे समाज में पैर पसारे हुए हैं। राज्य के शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी का विधानसभा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। देवनानी के घर से महज 5 किलोमीटर दूर है खरखेड़ी गांव, जहां एक महिला को सालों से डायन बताकर कुछ लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। पूरे मामले की सच्चाई को और नजदीक से जानने और समझने के लिए फर्स्ट इंडिया की टीम उस महिला के घर खरखेड़ी पहुंची, पूरे मामले का करीब से जायजा लिया। रास्ते बिल्कुल जाने पहचाने, बिल्कुल किसी और गांव जैसे, लेकिन कुछ तो अलग था यहाँ। अलग ये कि कुछ साल पहले यहाँ एक हरा भरा परिवार था, गरीब ही सही लेकिन खुशहाल। पर न जाने क्यों इस घर को कुछ लोगों की नजर लग गई और किसी आपसी रंजिश या साजिश के तहत एक गरीब किसान सेला की पत्नी को डायन साबित करके गांव से बाहर निकाल दिया गया। गांव वालों का कहना है कि यह औरत कई लोगों समेत 7 बच्चों को खा गई, डायन है। सालों से न जाने कितना दर्द अपने में समेट कर जी रही मीरा से जब हमारी टीम मिली तो उसने अपना सारा दर्द कह सुनाया। तो गुरुगी रोटी लेगी मंगरवाल आगे रोटी लेगी रवेरा पड़ गया, बारिश आ गई, बारिश आई रही पिछे नरा सांटा आया जी पिछे मैं बारिश आई जी मैं शंकर महाराज की दुकान पर बनाई मैं दो दिन आई बेटा ये को पोतो भी बंद करो तो वो भी आई
वे मैं तीनू बेटा जिजन गुरु नीर गया वे कुआड़ी लकड़ा लोडा ही है वहां का हेटक वो और बटे गया बटूंग पास आया ये वैसे हेड़ सड़ रही सुन लकड़ी लोडा ही है सीधा एक आदमी ने मेरी माँ का बेरा का हेड़ लपाड़ मांग खेत के देखा नंगे कर पास हजार मोती फिर भगल में बेड़ी कर दी फिर मेरी बटी बेटा आदरू बागल तो बोलता आर्या आर्या जी को ए पूछ वह डाकन के एरिया वह डाकन में जानू मार आपको बता दें जब हम महिला से मिले तो वो एक सामान्य महिला से ज्यादा कुछ नहीं लगी। उसे ना तो कोई मानसिक समस्या ही थी लेकिन हाँ उसकी आंखों ने एक लंबे अरसे से लोगों की निगाहों में खुद के लिए जो दुत्कार और दुश्मनी का भाव देखा है उससे उसकी खुद की आंखों में डर जरूर समा गया है। उसने बताया मैं कहीं निकल नहीं सकती, 3 महीनों से घर से नहीं निकली, सब मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मेरी जान को खतरा है, कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है। वह डाकन के एरिया में डाकन ना जानू मार मारी सलमान खागी रोशन की भी नहीं ना खागी जियो पसे पासा जियो कियो बे बैर बे रजाग रजाग के मुकाम को भाई कुमार खुल्लो है काई के कहां है बाजी जे के तारी बड़ी माने मायेगा ये मन कमरा बंद कर दी आया जैसे एड़ो सड़ आया जैसे 2 लाठी की पग पर बेकाड़ी क्योंकि कार रंगी ने बारे जानू तो मैं जानू मार खत्म के रहा और पोता पोती है जी हमारे हम कोई सुनाई न कर रिया है तुम्हारी जान ने पूरा खतरा पुलिस ने कहे तो कानड़ो ही नहीं देवे। वही उन्होंने कुछ तस्वीरें दिखाई जो दिल दहला देने वाली थी जिसमें गांव की दीवारों पर जगह जगह उस महिला के पति के नाम के साथ उसके लिए अभद्र भाषा और डाकण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह लोगों को अपने इस अमानवीय हरकत पर नाज है और वो सरेआम अपने लिखे हुए के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। वहीं एक तरफ मीरा का पति जो कि पेशे से किसान है उसे बाहर आना जाना पड़ता है लेकिन गांव वाले हर वक्त उसे जान से मारने की फिराक में रहते हैं। मेरे थे मुझे मतलब हमारा पाने लिए तो वहां बसा जाके हम चदरे पे बैठे हैं हमारे लिए वहां लकड़ियां कुआड़े लेके और मालने लिए आए तो मेरे हाथाभाई करीब 2 लकड़ी की देवर मेरे फार्म पर है और हमारी औरत को इसको जान से मारेंगे इसको तो कहा हम नीचे तेखाना था तेखाना मिठा दी तेखाना मिठा दी जान से मार देता है इसको और हम भी खेत में मिल जाते तो हमारे को मार देता था। उसके पति ने यह भी बताया कि कैसे उसने पुलिस में सारा मामला दर्ज करवाया लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसका यह भी कहना है कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करती जिससे उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं और अब तो आलम यह है कि परिवार दहशत में जीने को मजबूर है। हम पुलिस कार्रवाई करी तो पुलिस वाले लिखाई तो वो कार्रवाई नहीं कर रही है साहब ये सब 6-7 महीना हो गया पहले कार्रवाई करी थी वो माता बड़ी 6-7 महीना हो गया इसके बाद के मैंने और भी माथा पड़ी करी और भी मैं रिपोर्ट करी फिर भी वो पुलिस वाला पता नहीं हम कार्रवाई करती है वो करती रहे तो पता नहीं कहीं कार्रवाई ही नहीं। हमारी विशेष प्रस्तुति में समय है एक छोटे से ब्रेक का, आप लोग कहीं मत जाइएगा।